स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल पे। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। और इन दिनों जो टॉपिक्स आपके सामने मैं ला रहा था, अब उससे कुछ हटके एक अलग चीज में लाया हूँ। हालांकि वो भी हथेली से ही रिलेटेड है हमारी, लेकिन कई बार सवाल लोगों का आता है, सर ऐसा निशान होगा तो क्या होगा, ऐसा निशान होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। तो मैं उन कुछ निशानों को ही आज आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर हम नंबर लेते हैं आज चतुष्कोण का। ये दोस्तों चतुष्कोण या वर्ग या आयत, इनमें से किसी भी प्रकार की स्थिति आपके सामने बन सकती है। वैसे मेन इसका नाम चतुष्कोण ही दिया गया है, क्योंकि वर्ग जो होता है वो बिल्कुल चारों कोने 90 डिग्री होता है। तो हमारे हाथों में हम नापने तो नहीं बैठेंगे कि ये किस प्रकार से होगा, तो इसलिए इसको चतुष्कोण यानी आपकी चार रेखाएं 1, 2, 3, 4 ये किसी भी प्रकार से इस तरह से कहीं पे भी निशान नजर आ जाए, या हो सकता है इस तरह का निशान आपको नजर आ जाए या इस तरह का निशान नजर आ जाए, तो ये आपके उस समय पे चतुष्कोण का योग बनेगा, चतुष्कोण की स्थिति होगी आपकी हथेली के अंदर। देखते हैं मुख्य रूप से इसके क्या प्रभाव हमारे जीवन के अंदर पड़ते हैं। तो मैंने इस चीज के लिए कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, वो क्या है जरा देखते हैं दोस्तों। इसके मैंने दो पार्ट बनाए हैं, आज अपन इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट होगा इसकी रेखाओं से संबंधित। अगर हथेली की रेखाएं और दूसरी तरफ आता है पर्वत, दो ही चीजों से मिलके एक हथेली का निर्माण होता है। मैं आज इसको आपको रेखाओं के बारे में बताऊंगा कि कौन सी रेखा के ऊपर ये किस प्रकार का, अगर चतुष्कोण बने तो उसका क्या हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हथेली पर जिस किसी भी रेखा के साथ ये चतुष्कोण बनता है, उस रेखा या इस तरह का जो सीन है जिस भी रेखा के साथ में ये है, उसके परिणाम जो होते हैं दोस्तों वो बढ़ जाते हैं। यानी जो भी उसके सिम्टम्स हैं, जो भी भविष्य में फायदा होने वाला है आपका, उसमें बढ़ जाएंगे, और घाटा जो होगा वो बिल्कुल खत्म हो गए, नॉर्मल स्थिति पे आपके हो जाएंगे। साथ ही अगर टूटी रेखाएं हैं उसमें कोई दोष है तो वो दोष बिल्कुल खत्म होकर के प्रॉफिट में आने वाली स्थिति आपके साथ में हो जाएगी। और इसके अंदर एक चीज इस तरह से है कि लंबाई चौड़ाई अपने को नहीं देखनी है, जैसी भी स्थिति हो बस खाली चारों कोने मिल गए आपस में तो वो आपका उस समय पे एक चतुष्कोण का निर्माण हो जाएगा। तो जल्दी से मैं आपको सबसे पहले नंबर की चीज बता देता हूं का, यदि आपके जीवन रेखा पर ये कोण बना हुआ है तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने इस चीज को समझाने के लिए आपके सामने हार्ट ड्रॉ कर लिया है, जिसके अंदर हम मुख्य रूप से रेखाएं बना लेते हैं, जो कि मैं आपको पहले नंबर पर बता रहा था। जीवन रेखा पे यदि ये हो तो क्या उसके फायदे हैं, तो सबसे पहले हम जीवन रेखा को समझ लेते हैं। ये आपकी जीवन रेखा इस प्रकार से यहां से निकलेगी और यहां होगा। अब दोस्तों इसमें चतुष्कोण बनने की स्थितियां कई बार हाथ जटिल होने की वजह से हमें समझ में नहीं आती है, तो आप ऐसे देख सकते हैं अगर इस तरह से ये यहां कहीं पर भी आपके चतुष्कोण बन गया है तो उस सिचुएशन में आपके जीवन की जो लंबाई है यानी जो जीवन चल रहा है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगा। अगर 60 साल की उम्र नॉर्मल लिखी है तो वो आपको कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि आपको 70 से 75 की उम्र में प्लस करके देगा। तो दोस्तों रेखा से उम्र बढ़ती है, ये आपका जीवन रेखा पर असर होगा अगर यहां पर होगा, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। बढ़िया सुख संसाधनों के साथ जीवन में बढ़ोतरी होना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। सेकंड नंबर की मैं बात करता हूं इसके अंदर, लेकिन एक चीज और जीवन रेखा के बारे में बता दूं, कई लोगों की जीवन रेखा कटी फटी होती है और उस कटी फटी के अंदर अगर चतुष्कोण बन जाता है तो आप मान के चलिए कि आपकी लाइफ के अंदर बल्ले बल्ले है। यानी ये निशान बनने से आपके उस टूटी रेखा के असर कम हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतर परिणाम आपको लाइफ के अंदर बाद में देगा। दूसरे नंबर में मैं बात करता हूं इसके अंदर विवाह रेखा। दोस्तों विवाह रेखा क्या होती है जरा हम पता करते हैं इस बारे में। तो ये विवाह रेखा का योग और विवाह रेखा क्या होती है, ये आपका बुध पर्वत का क्षेत्र है, यहीं पर आपकी विवाह रेखा निकलती है। उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये आपकी हृदय रेखा इस तरह से यहां से निकलेगी, तो यहीं कहीं इसके साथ में एक ऐसी रेखा निकलेगी जो आपकी विवाह रेखा कहलाएगी। ये विवाह रेखा दोस्तों इस प्रकार का असर देती है, इससे हमारे विवाह के योग और विवाह की स्थिति हमको पता चलती है। अगर ये आपके कहीं से मुड़ी भी दिखाई देवे आपको नीचे की साइड आते हुए, तो एक बात मान के चलिए उस कंडीशन में धर्म पत्नी के साथ में थोड़ी सी समस्या हो सकती है स्वास्थ्य संबंधी, ये थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। तो अगर यह गोल हो जाए, ये गोल जैसी स्थिति नजर आए आपको, तो भी ये एक आपके लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहेगा।
यानी जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उसमें कुल मिलाकर के नुकसान ही नुकसान है। लेकिन यहां आपको अगर वर्ग बना दिखाई दे गया इस पॉइंट पे कहीं पे भी, तो ये वर्ग बहुत ही बड़ा आपको फायदा यहां पर पहुंचाएगा। ये चतुष्कोण आपकी जीवन साथी के स्वास्थ्य को ठीक रखने में बिल्कुल पूर्ण रूप से आपकी मदद करेगा। तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी, ये स्वास्थ्य से ही रिलेटेड बात इसके अंदर थी। नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं मैं इसके अंदर, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा पे यदि कई बार दोस्तों, कई बार क्या, लगभग 80% हाथों में लोगों के पास में भाग्य रेखा पूरी नहीं होती है, कटी फटी होती है। 80% लोग अपने भाग्य की इस रेखा की वजह से काफी परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि उनके जीवन में ये समस्या आएगी क्योंकि भाग्य रेखा पूरी नहीं है। लेकिन मजे की बात देखिए, भाग्य रेखा के टूटे होने पर भी मैं आपका ये कार्य सिद्ध हो सकता है। यानी वैसे तो टूटी होने पर बनते कार्यों में भी रुकावट आ जाती है, लेकिन यदि यहाँ आपका चतुष्कोण बन गया, वर्ग जैसी स्थिति बन गई, तो उस इंसान के कितनी भी प्रॉब्लम आए वो आदमी हर हाल में सफल होता है। ये इस तरह का माना गया है, इस तरह का रिजल्ट देखा गया है कि इस तरह से होने में भी उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं इसके अंदर, अगर आपके मस्तिष्क रेखा पर किसी प्रकार की चीज हो, मस्तिष्क रेखा पे अगर ये चतुष्कोण हो तो क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों मस्तिष्क रेखा प्रारंभ होती है आपकी यहां से, कई बार ये इसके अंदर मिली हुई भी होती है और कई बार ये इसकी यहां से खुली भी होती है, दोनों कंडीशन है। तो जरूरत से ज्यादा लंबी मस्तिष्क रेखा को अच्छा नहीं माना गया है, ये एक बहुत बड़ी चीज देखी गई है। और कई लोगों की यहीं तक मस्तिष्क रेखा कट जाती है, कई लोगों की इस तरह से भी इधर से होकर निकल जाती है। तो किसी भी प्रकार की रेखा हो, लेकिन अगर उसमें चतुष्कोण जैसी स्थिति बन गई तो दोस्तों बल्ले बल्ले है, उस आदमी का दिमाग बहुत शार्प हो जाएगा, बहुत अच्छा चलने लगेगा और इस तरह के परिणाम उसको अपनी लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगे। साथ ही मानसिक निराशा जितनी भी होती है, मानसिक निराशा से ये चीज आपको उबार देगी, मानसिक निराशा होने नहीं देगी। अगर हो गई है तो बिल्कुल उसको डाउन कर देगी, ये ऐसा फंडा है। और मानसिक रूप से वो आदमी फिर संतुष्ट हो जाता है, ये एक बहुत अच्छा साइन है अगर मस्तिष्क रेखा पर ये चीज है। तो अंत में मैं हृदय रेखा की बात करता हूं, अगर हृदय रेखा पे ये चीज बनी हुई है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों हृदय रेखा ये आपकी इस तरह से आई गई, मैंने आपको बता दी, हृदय रेखा पर चतुष्कोण या वर्ग होने से इंसान का मनोबल अधिक हो जाता है। ये मनोबल दोस्तों क्या चीज होती है, यानी एक इंटरनल पावर है, मनोबल अगर तेज हो गया उसका तो वो किसी भी पहाड़ की चढ़ाई कर सकता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकता है, दुनिया की कोई भी बात आ जाए उससे वो निपटना बहुत अच्छी तरह से आता है। और हृदय रेखा बाईचांस अशुभ स्थिति में है तो भी हृदय से संबंधित सारे रोगों का इलाज और सारे रोगों से बचाव करने की गारंटी इस अकेले वर्ग की हो जाती है। ये वर्ग बहुत इसके अंदर बेनिफिट देता है, ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। यानी सभी प्रकार की प्रॉब्लम से बचाव का एक ही तरीका है कि आपके हाथों में वर्ग होना चाहिए। अगर वर्ग है तो आधी से ज्यादा चिंता आप छोड़ दीजिए, चिंता करने की अब कहीं कोई जरूरत नहीं है, ये वर्ग आपको आपकी लाइफ के अंदर आगे ले जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक। नेक्स्ट इसी वीडियो के साथ में मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको पर्वतों की जानकारी दूंगा, पर्वतों के ऊपर यदि आपका वर्ग बना है तो उसका क्या परिणाम होगा। तो देखिए आने वाले वीडियो में मेरा पर्वतों वाला वीडियो जिसके अंदर पूरा खुलासा हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ में, लेकिन नए मेहमान मेरे प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक कमेंट्स और जो भी आपको जिस तरह का मन में हो विचार वो जरूर यहाँ पे कमेंट में रख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अलविदा, बाय बाय।